एक व्यक्ति ने उस प्राणी को खाने को दिया तो उसके भीतर की चेतना प्रसन्न हो गई थी। फिर से वो व्यक्ति आया तो वो वैसे ही प्राणी प्रसन्न चेतना में उसको 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 वेलकम किया उसने। और एक व्यक्ति ने उस प्राणी को मारा था, फिर दूसरी बार जो वो प्राणी उन्हें मिला तो वो भीतर से भयभीत था। हालांकि वृक्ष भी, आप देखो कभी आप वृक्ष को बढ़ रहा है इसलिए काटोगे, और फिर बाद में कभी उनसे फिर से एक बार मिलना तो आप खुद अनुभव करोगे। पहले अनुभव को मध्य नजर रखते हुए ऐसे हो जाएंगे जैसे उन्होंने अपने पत्ते झड़ दिए हो। ये आप खुद देखना प्रकृति में हो रहे बदलाव को। तात्पर्य, भले ही पशु पक्षी प्राणी वृक्ष ये जो चल योनि है, अचल योनि है, जड़ योनि है, ये राम को न समझे, कृष्ण को न समझे, देवी को न समझे, पर प्रेम को तो समझते हैं। हमारी चेतना, हमारा प्रेम, जब हम प्रेम बांटना चाहते हैं और चेतना बड़ी निचले स्तर पे है तो हम वस्तुओं को खोजेंगे। लगता है वस्तुएं मुझे सुख देगी, वस्तुओं को मैं प्रेम दूं तो वस्तुएं मुझे सुख देगी। जब चेतना और थोड़ी ऊपर उठती है तो हम व्यक्तियों को खोजते हैं। लगता है मैं व्यक्तियों को प्रेम दूंगा तो व्यक्ति मुझे प्रेम देंगे, सद्भाव देंगे, सम्मान देंगे, सुख देंगे। और जब जब चेतना उससे भी ऊपर उठती है तो फिर हम संतों को खोजते हैं, फिर संतों के दर्शन करना चाहते हैं। और निश्चित है संतों को स्नेह देंगे, सेवा देंगे तो वही संत सुख भी देंगे और प्रसन्नता भी देंगे। चेतना जैसे जैसे ऊपर उठी, प्रेम का उच्चांक भी वैसे वैसे ऊपर उठा है। सच्चिदानंद के इस स्तर से सच्चिदानंद के अगले वाले स्तर पर जाने की यात्रा है। नहीं पता चले ना हम क्या कह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कह लीजिएगा। बोला जगदम्बा मात की, बड़े भाव से कहना पड़ेगा, बोलिए जगदम्बा मात की। देखिए कुछ लोग है ना सोच रहे हैं कि मैं ऊर्जा को क्यों वेस्ट करूं, इसलिए समझ जाओ जो समझना है। सियावर प्रभु रामचंद्र भगवान की। कुछ लोग तो बड़े भाग्यवान हैं, पता ही नहीं चलता सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो आंखें खुले रखकर भी सो लेते हैं। यहां एक विषय पूर्ण, अच्छा कोई है आपके मध्य में? जय हो सियावर प्रभु रामचंद्र भगवान की। देखना, ध्यान रखना उनकी ओर, क्योंकि पता नहीं चलेगा सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। फिर मुझे कहना पड़ेगा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। यहाँ एक विषय पूर्ण होता है और दूसरे विषय को हम आरंभ करते हैं। महाराज जनक चर्चा सत्र का पूर्ण विराम देते हुए कहते हैं, आइए चलिए हम स्नान करने जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज को लेकर और सभी संतों को लेकर स्नान करने आए। स्नान कर ही रहे थे कि तभी महल, राजमहल से आग की लपटों को, आग की ज्वाला की विचित्र ऐसे चिंगारियों को देखा और सुखदेव जी कहने लगे, महाराज जी ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो महल को आग लगी हो। दौड़ते भागते सेवकगण आए, महाराज महाराज महल को आग लगी है। जनक जी कहने लगे, हाँ हाँ ठीक है, मैं अपना स्नान तो पूर्ण कर लूं। संत महात्मा ये साधुगण भागने लगे, अरे जनक तू तो बाद में आना, हमारी लंगोटी तो वहां अटकी है, हमें भागना पड़ेगा। और तभी महाराज जनक कह रहे, देखो देखो महाराज, बंधन का कारण कोई वस्तु कोई व्यक्ति नहीं है, बंधन का कारण तो मन है, मन एव कारणा बंधन। तत् सुखी सदैवासी बंधु हम इति संशया। बहुत सुंदर वर्णन है देवी भागवत में और बड़ा ही स्पष्ट है। तंतु दुखी सदैवासी बद्धो हम इति संशया, न बंधोसि बुद्ध्या हम सर्वदैव सुखी मुनि। यानी अगर समय आई तो एक महल भी बांध नहीं सकता और समय आई तो एक लंगोटी और कमंडलू भी बांध लेता है। और आप तो जानते हो महाराज, कारण ये मन बंधन का है और आप ठीक से समझते हो। बलपूर्वक जिसे त्यागने की इच्छा रखोगे ये तो बार बार आगे आएगा,
उपवास के दिन बार बार मन जाता है किचन की ओर, हाँ पूरी बनी है तू चुपचाप बैठना, तेरा तो उपवास है। उपवास के दिन पहले आज भजिया बन रहे क्या? अरे भाई तुझे क्या करना, लोग उपवास के दिन रोटी नहीं खाएंगे पर घंटों घंटों तक इस मुख से किसी की निंदा कर लेंगे। जय हो मैया। मैं सही बताओ माताओं, विशेष करके ध्यान से सुनिएगा, जितना समय हम एक दूसरे की निंदा में और एक दूसरे का गलत चिंतन करने में गवाते हैं, उतने समय में अगर अपने बच्चों पर संस्कार करोगे ना तो निश्चित ही भारत देश में क्रांति की लहर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस बस घुमाओ, मोड़ना पड़ेगा, ठीक से मोड़ना पड़ेगा तो ही ये मन कुछ आगे चल के कर पाएगा। और बलपूर्वक नहीं, निष्ठापूर्वक, बलपूर्वक। देखो वो नारियल है ना, नारियल अगर कच्चा है, नारियल अगर कच्चा है तो चाकू ले लो, कुछ भी ले लो, कितना भी प्रयास करोगे करोगी फिर भी कुछ ना कुछ प्रयास करने के उपरांत भी कुछ ना कुछ वो खोपड़ी में अटका रहेगा। और अगर पक्का नारियल हो ना वो खुद ही खोपड़ी छोड़ देता है, मानते हो? कच्चा नारियल को निकालने का प्रयत्न करो तो भी कुछ ना कुछ वही फंसा रहेगा, अटका रहेगा। वही है मन, वैसा ही है मन। कच्चे मन से विचार करते हो त्याग करने का तो थोड़ी ना हो पाएगा, मन को पक्का करना पड़ेगा। और मन पक्का कैसे होगा? एक व्यक्ति ने तप किया, बहुत तप किया, और तप करने के बाद गुस्से पे विजय प्राप्त किया और आया भारत देश में। आप तो जानते हैं भारत देश संतों के चरणों का अनुगामी रहा है, लोगों ने भीड़ की, कोई उनकी दाढ़ी खींच रहा है, कोई उनके वस्त्र खींच रहा है, कोई उनके पैरों को खींच रहा है, जिनका दर्शन करने आए उनकी ही पैरों को कुचल रहे हैं। और तभी महाराज जी चिल्लाए, समझ नहीं आता, जिनके दर्शन करने आए हो उनके ही पैरों को कुचल रहे हो। किसी ने पूछा, महाराज जी 16 साल पर्वत की गुफाओं में क्या किया पता नहीं तुम्हें? क्रोध पे विजय प्राप्त किया। महाराज जी जय हो आपकी। क्रोध पे विजय प्राप्त किया, ये दिख रहा है आपके शब्दों से कि कितना क्रोध पे विजय मिला है। तात्पर्य तात्पर्य जंगल का, हिमालय का एकांत आपके मन की स्थिति को नहीं बता सका, दो मिनट के भीड़ ने आपके मन स्थिति का परिचय करा दिया। यही होती है भीड़। तो इसीलिए ही हम सब लोगों में रहकर भी क्या एकांत में है और एकांत में होकर भी क्या सबके साथ है। इसका संबंध और इसका समतोल जिसने साध लिया उसी के ही जीवन में वास्तविक वैराग्य की अग्नि की अनुभूति है, ये निर्धारित है। इसलिए हम सबके साथ होकर भी एकांत में रहने का आनंद ले सकते हैं। कैसे कैसे देखना चाहेंगे? दोनों हाथ उठाएं, सबको मिलके और बड़े भाव से गाना पड़ेगा। जय जय भवानी माँ। अच्छा आसान सा गाएंगे तो सब गा पाए ऐसे। आदिशक्ति जय भगवती अम्बे, आदिशक्ति जय भगवती अम्बे, मुक्ति रूपिणी दिव्य पराम्बे, मुक्ति रूपिणी दिव्य पराम्बे, आदिशक्ति जय भगवती अम्बे, मुक्ति रूपिणी दिव्य पराम्बे। दोनों हाथों से ताली बजाते हैं।